हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, छोटी छोटी कोशिश करेंगे आज दो टॉपिक कवर कर लें, एज वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम इन अ डे और टू। तो आज जो फर्स्ट टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ तो वो है आपका कि रिएक्शन क्वोशेंट क्या होता है। ओके, तो देखिए, जब भी आप रिएक्शन क्वोशेंट निकालते हैं तो उससे आपको डायरेक्शन पता लगती है रिएक्शन की, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम पता लगता है। फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि आपका इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में चल रहा है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम वी कैलकुलेट रिएक्शन क्वोशेंट। तो हम रिएक्शन क्वोशेंट इसलिए निकालते हैं कि हमें इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन पता लग सके। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन भी फटाफट एक बार देख लेते हैं, होती क्या है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन रेशियो ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन और द पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी ले सकते हो, फॉर गैसेस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, और द पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट स्पीशीज। ठीक है, प्रोडक्ट का, ऑफ द प्रोडक्ट स्पीशीज टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज, जैसे केसी और केपी निकालते थे आप, स्पीशीज एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन, किसी भी स्टेज पे निकाल लीजिए आप ये, एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन। केपी और केवीसी हम इक्विलिब्रियम पे निकालते थे, ये आप कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे निकाल सकते हो। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ध्यान रखने वाले। इन केस द मोलर कंसेंट्रेशन इन केस द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज आर कंसीडर्ड, अगर आप मोलर कंसेंट्रेशन लेके चल रहे हो, द रिएक्शन क्वोशेंट जो है उसको क्यूसी से डिनोट करना। द रिएक्शन क्वोशेंट इज एक्सप्रेस्ड एज कंसेंट्रेशन क्वोशेंट, तो उसको हम कंसेंट्रेशन क्वोशेंट बोलते हैं, क्योंकि आप रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट की क्या ले रहे हैं, मोलर कंसेंट्रेशन ले रहे हैं, और उसे हम क्यूसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब आप गैसेस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्या होता है, इन केस द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज आर कंसीडर्ड, देन रिएक्शन क्वोशेंट जो है आपका, पार्शियल प्रेशर कंसीडर कर रहे हो तो रिएक्शन क्वोशेंट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर क्वोशेंट, और इसको हम क्यूपी से डिनोट करेंगे पार्शियल प्रेशर क्वोशेंट को। तो आप कंसीडर कर लीजिए, कोई भी आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन आपने ले ली, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, तो अगर आप उसका पार्शियल प्रेशर क्वोशेंट निकालते हैं तो पार्शियल प्रेशर क्वोशेंट इस तरह से निकलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू द पावर सी इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू द पावर डी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू द पावर ए इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू द पावर
बी। और अगर कंसेंट्रेशन क्वेश्चन आपने निकालना है तो वो इस तरह से निकलेगा, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सी रेस टू द पावर सी, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ डी रेस टू द पावर डी, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर ए एंड मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू द पावर बी। ठीक है, जनरली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, देखिए डिफरेंस दोनों में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो इक्विलिब्रियम पे निकालते हैं हम और उसको के से डिनोट करते हैं। और रिएक्शन कोशेंट हम रिएक्शन के इन बिटवीन कहीं पे भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आप सिर्फ इक्विलिब्रियम पे निकालोगे और उसको क्यू से डिनोट करते हैं। अब आपको ये दोनों सेम सेम लग रहे होंगे लेकिन मैं न्यूमेरिकल से आपको समझाऊंगी कि डिफरेंस क्या है। देखिए रिलेशनशिप देख लेते हैं पहले, रिलेशन बिटवीन रिएक्शन कोशेंट, रिलेशन बिटवीन रिएक्शन कोशेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर है देन रिएक्शन कोशेंट, तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर आपका जो रिएक्शन कोशेंट है दैट इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो रिएक्शन हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दैट इज इक्वल टू रिएक्शन कोशेंट, तो रिएक्शन इसका मतलब इक्विलिब्रियम में चल रही है। ठीक है, इन रिलेशन की हेल्प से हम निकालेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है आपकी या बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है या कैसे चल रही है। जैसे एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं, क्वेश्चन देखिए आप, ये कहता है आपको कि फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ कंसेंट्रेशन ऑफ पीसीएल 5, पीसीएल 3 एंड सीएल 2 आर, उसने दी 20 है, 10 है, 10 है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वो आपको दे रहा है कि 4 है आपके पास, ठीक है, और रिएक्शन जो है PCl5 की वही डिसोसिएशन वाली रिएक्शन है कि PCl3 और Cl2 में डिसोसिएट हो रहा है। तो अब हमें निकालना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा चल रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा चल रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम रिएक्शन कोशेंट निकालते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए रिएक्शन कोशेंट अभी आपने किया कि पार्शियल प्रेशर हम कर लेंगे या कंसेंट्रेशन ले सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में कंसेंट्रेशन दी हुई है तो हम कंसेंट्रेशन की ही बात करते हैं। PCl3 की कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसेंट्रेशन अब इसके आपको क्या दी हुई है, PCl3 जो दिया हुआ है, हम ऊपर PCl3 लेके चल रहे हैं तो PCl3 कितना दिया हुआ है, 10 कंसेंट्रेशन, और Cl2 की कितनी दी हुई है आपको, 10, PCl5 की कितनी दी है, 20, ठीक है, सॉल्व करेंगे आप 5 आ जाएगा आंसर। तो अब देखिए आपका रिएक्शन कोशेंट आ रहा है 5 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्होंने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, तो रिएक्शन कोशेंट ग्रेटर आ रहे हैं ना इक्विलिब्रियम से। अगर ग्रेटर है तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रेटर है देन दैट मीन्स रिएक्शन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। ये आपको कहता है कि रिएक्शन है आपकी N2 plus 3H2 gives 2NH3
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए उसने आपको दिया हुआ है 10। फाइंड द डायरेक्शन, आपने वही डायरेक्शन निकालनी है रिएक्शन की। इफ कंसेंट्रेशन जो उसने आपको दी है N2 H2 NH3 की 10 20 20 दी है। तो अब फटाफट इसको और सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। इसमें ये कहता है कि आप रिएक्शन क्वेश्चन निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट है आपका NH3, ये 2 पावर में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट है आपका N2, H2 की पावर यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगी। तो अब हम निकालें NH3 की कितनी दी है उसने कंसेंट्रेशन आपको, 20, 20 की पावर में 2। N2 कितना दिया है उसने आपको, 10 इंटू H2 20 उसकी रेस टू द पावर 3। सॉल्व करेंगे 1/200 आ रहे। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसने आपको दिया है 10, दैट इज फार मच ग्रेटर देन द रिएक्शन कोशेंट। अगर ग्रेटर आ रहा है तो रिएक्शन क्या हो रही है अब आपकी, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि आपकी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। तो ये था आपका रिएक्शन क्वेश्चन का टॉपिक। कर लेंगे आप इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व। चलिए, हैव अ वेरी गुड डे अहेड, टेक केयर।